होगा तो देखिए आप, देख के आपको खाने का मन हो जाए ऐसा उंधिए जल्दी से इसको टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा लगता है हमारे गुजराती घरों में ऐसी छोटी गेहूं की पूरियों के साथ। इसको एकदम लाजवाब टेस्ट है। अगर आपको भी ऐसे मजेदार रेसिपीज वीडियोस चाहिए तो हमें फिर से एक बार एक नए व्लॉग में। और सब्जी मंडी से हम इतनी सारी सब्जी लेके आ चुके हैं, पता है हम आपको आज क्या बनाने वाले हैं? हम आज बनाने वाले हैं, उत्तरायण काफी नजदीक है और हम बनाने वाले हैं उंधियो। आइए हम आपको एक एक करके सारी सब्जी बता देते हैं कौन सी सब्जी रहती है। ऑथेंटिक उंधियो बनाने के लिए कौन से वेजिटेबल चाहिए वो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। हमने तीन टाइप की पापड़ी ले ली हुई, एक है वालोर पापड़ी और दो है सुरती पापड़ी दाने वाली और दाने बिगर की। फिर हमने लिए हुए हैं कोरिएंडर, छोटे छोटे पोटैटोस, ग्रीन चिली, फिर है बैंगन, एग प्लांट जिसको बोल सकते हो, सूरन, रतालू और अदरक मिर्ची। सिंपल मिर्ची है स्टफिंग के लिए और फिर अदरक मिर्ची पेस्ट के लिए। फिर लिए हमने स्वीट पोटैटोस, मेथी ले ली है, टोमेटोज और बाकी मटर और तुवेर के दाने और नारियल ले लिया है। तो सारी सब्जी यहाँ पे आ गई है, हम कट कर लेते हैं और आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस हम यहाँ पे हमारा उंधियो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे फ्राइड वेजिटेबल्स ले लिए जो कि है सूरन, रतालू और स्वीट पोटैटो। बाकी हमने जो आपको आगे सब्जी दिखाई वो वेजिटेबल्स है और बाकी सारे मसाले हैं। इन सारे मसाले को हम एक मिक्सिंग बाउल में मिक्स करके स्टफिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक बाउल जितना कोकोनट क्रश और 3-4 टेबलस्पून जितने क्रश्ड पीनट्स। बाकी हम ऐड करते हैं कोरिएंडर एक बाउल जितना और 1 टेबलस्पून जितने जिंजर पेस्ट और 1 टेबलस्पून जितने ग्रीन चिली पेस्ट और 1 टेबलस्पून जितना सुगर और 1 टेबलस्पून जितने सीसम सीड्स या तिल, आप जो भी बोलो। अब हम करेंगे इसमें सारे मसाले। तो सबसे पहले हमने ले लिया है धनिया जीरा पाउडर और फिर थोड़ी सी लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन सबको स्टफ करेंगे हम वेजिटेबल्स में। जो ये है बैंगन जिसको हम अच्छे से इस तरह से कुछ कट कर लेंगे ताकि हम इसको अच्छे से स्टफ कर पाए। तो इसी तरह से हम पोटैटो को भी कट कर लेंगे और जो मिर्ची है उसको भी सेम इसी शेप में कट कर लेंगे ताकि हम उसको अच्छे से स्टफ़ कर पाए। जो वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं उसको अच्छे से स्टफ़ कर लेंगे, एक एक करके सारे वेजिटेबल्स में अच्छे से स्टफिंग भर देंगे ताकि टेस्ट जो आएगा वो कुक होने के बाद काफ़ी बढ़िया आएगा। और सारे वेजिटेबल्स जो मिर्ची है, पोटैटो है, सबको बारी बारी ऐसे स्टफ़ कर लेंगे। यहाँ पे हमारे सारे वेजिटेबल्स स्टफ होके रेडी हो चुके हैं। तो गाइस उंधियो का जो नेक्स्ट स्टेप है जो कि वेजिटेबल्स को कुक करना है, तो हमने यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स ले लिए हैं, तुवेर के दाने, मटर, पापड़ी के दाने और बाकी सारे वेजिटेबल्स ले लिए। और उंधियो का जो मेन इन्ग्रीडियंट है जो कि है मुठिया, हमने वो भी बना लिया है। तो अगर आपको मुठिया की भी रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि मुठिया कैसे बनता है, वो भी बताओ तो हम वो भी बता देंगे। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा प्रेशर कुकर ले लिया है और उसमें 7-8 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड किया है। बाद में हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना जीरा ऐड करेंगे, तमालपत्र, 2-3 सूखी लाल मिर्च ले लिए, थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाए। बाद में हम इसमें ऐड करेंगे करी पत्ता और जो बारी बारी सारे जो वेजिटेबल्स से वो ऐड करते जाएंगे। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद हम सारे मसाले करते हैं। सबसे पहले हमने एक बड़ा टेबलस्पून जितना लाल मिर्च ले लिया है, आधा टेबलस्पून जितना हल्दी पाउडर, गरम मसाला और धनिया जीरा पाउडर ले लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाद में हम
थोड़ा सा वाटर इसमें ऐड करेंगे ताकि ये जो सारी सब्जी है वो अच्छे से कुक हो जाए। वाटर ऐड करने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स करके हमने जो सारे स्टफ्ड वेजिटेबल्स लिए थे वो बारी बारी इसमें ऐड कर देंगे। एक पूरा लेयर बना देना है जो स्टफ्ड वेजिटेबल्स का, और उसके बाद इसको मिक्स नहीं करना है, बस ऐसे ही छोड़ देना है। जब सारे स्टफ्ड वेजिटेबल्स का लेयर बन जाए तो उसके बाद हमने जो फ्राई वेजिटेबल्स थे हमारे पास, सूरन, रतालू और स्वीट पोटैटो, उसका पूरा एक लेयर बना देना है। और जब दोनों लेयर बन जाए तो सारे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक, सारे मसाले फिर से एक बार करके प्रेशर कुकर को ऐसे ही बंद कर देना है। और दो तीन विसल बजे तब तक इसको अच्छे से कुक करना है। दो तीन विसल के बाद जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तब हम इसको ओपन करके इसमें सारे जो मुठिया हमने बना के रखे हुए थे, मेथी, बेसन और गेहूँ के आटे के, वो ऐड करेंगे। अगर मुठिया की रेसिपी चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में बताइए, तो हम ज़रूर से आपको बना के नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। तो सारे मुठिया हमें ऐड कर लेने हैं, और जब ये मुठिया ऐड हो जाएंगे तो हमें थोड़े से चॉप्ड टोमेटोज और धनिया ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके फिर से 5 to 7 minutes तक कुक होने देना है। जब ये कुक हो जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा तो हम इसको प्लेट में गर्मा गर्म पूरियों के साथ सर्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बढ़िया सा उंधियो तो बन के रेडी हो चुका है। अगर सबसे पहले तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा लग रहा है। हम गुजराती घरों में ऐसी छोटी छोटी पूरियाँ बनाते हैं तो हम उसी के साथ टेस्ट करते हैं। ये देखिए भाई, सबसे पहले सब्सक्राइबर्स को खिला देते हैं, बाद में हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट तो इतना लाजवाब है कि क्या ही बात करें। एक और बाइट हम खाएंगे, मज़ा आ गया भाई। अगर आपको ऐसी रेसिपी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये उंधियों की रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ, कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।